नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं पंडित विसंदर शास्त्री फिर से हाजिर हूँ हस्तरेखा के इस चैनल में एक नया वीडियो लेकर। वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँच पाए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी भाग्य रेखा जिसे फेट लाइन बोलते हैं वह टूटी फूटी हो, या अधिकतम लोगों के हाथ में आधी होती है, बोले तो मैं विद्या रेखा तक होगी, या अधिकतम लोगों में जो फेट लाइन होती ही नहीं है, उसके हाथों को देखने का फिर तरीका कुछ अलग होता है, उसके हाथों को एनालिसिस करने का तरीका। आज मैं बताने वाला हूं फेट लाइन के बारे में। फेट लाइन अगर आपकी टूटी फूटी हो, अधूरी हो, तो क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में उस टूटी फूटी फेट लाइन का और अधूरी लाइन का। सबसे पहले बताता हूं फेट लाइन आरंभ कहां से होती है। यह हमारा मणिबंध, कोई भी रेखा अगर मणिबंध यानी कि यहाँ से, ये कलाई से शुरू हो, कलाई से शुरू होके जाए ऐसे, और वो कहाँ जानी चाहिए, शनि पर्वत पे सीधी गई शनि पर्वत। ये होता है हमारी मध्यमा उंगली का नीचे वाला एरिया जो हमारा होता है, ये होता है हमारा शनि पर्वत। अगर कोई भी भाग्य रेखा आपके मणिबंध से होते हुए शनि पर्वत पर जाए तो वो होती है आपकी भाग्य रेखा। अब साहब भाग्य रेखा भी लोगों के हाथों में भाग्य रेखा होती है, आप लोग बोलते हैं साहब भाग्य रेखा तो पूरी है पर हमें इसका भाग्य का तो कोई साथ ही नहीं मिल रहा, कुछ जीवन में अच्छा हो ही नहीं रहा है। उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो उस हाथों में क्या बन रहे होंगे, क्रॉस बन रहे होंगे, ऐसे 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 कैसे भी बन सकते हैं पर क्रॉस बनेंगे, कट लगेंगे। अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा हो, भाग्य रेखा में कट हो, या भाग्य रेखा मोटी हो चौड़ी हो, तो आप यह समझिए इस प्रकार के भाग्य रेखा वाले व्यक्तियों का साहब भाग्य का कभी साथ नहीं मिलेगा, भाग्य की कमी को दिखाता है नंबर एक बात। नंबर दो बात, आपके लोहे से जुड़े हुए काम में बाधा दिखाता है। ये चीजें आपको वाहनों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है साहब, वाहन दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं आप, अगर आप देखा जाए तो मुख्यतः। और वैसे जो भाग्य रेखा है, वो भाग्य रेखा जो मेन काम होता है, मुख्य कार्य होता है, वो होता है आपको भाग्य को चमकाना। तो आप ये कहीं ना कहीं देखेंगे जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, या भाग्य रेखा है वो चौड़ी है, मोटी है, गहरी है, या भाग्य रेखा है वो है पर वो क्रॉस लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की भाग्य रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में साहब शनि भगवान साहब अपना फल आपको बहुत कम देंगे, भाग्य का साथ आपको पूरा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा पूरा। और शनि भगवान आपको क्या देंगे साहब, सारे कष्ट देंगे, इसमें मानसिक बीमारियां देंगे, इस अगर क्रॉस बने हो तो मानसिक परेशानियां आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी, हर मोड़ पर मानसिक परेशानियां आएंगी आपको। तो इस व्यक्तियों को मैं यह बोलना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को शनि भगवान की आराधना करना चाहिए। शनिवार को तो कम से कम हो तो मांस मदिरा से बचना चाहिए इस प्रकार के रेखा वाले व्यक्तियों को। काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए इस प्रकार की रेखा वाले व्यक्तियों को। मूंग की खिचड़ी खानी चाहिए शनिवार के दिन, या दान करना चाहिए। और यह रेखा साहब आपके जीवन में साहब बहुत नकारात्मक प्रभाव देगी, या आपको हर फील्ड में, चाहे वो आपको पैसे के फील्ड में हो, मान सम्मान के फील्ड में हो, या बिजनेस के फील्ड में हो, हर फील्ड में दुख देगी जरूर, तकलीफ देगी जरूर, हर मोड़ पर आपको परेशानियां देगी। इतना कष्ट उसके हाथ में नहीं होता है जिसके में यह फेट लाइन नहीं होती है। अगर आपके हाथ में फेट लाइन हो, कटी फटी हो, तो यह ज्यादा खराब माना जाएगा अगर आपकी फेट लाइन ना हो उससे। तो आपको जो जो मैंने उपाय बताए वो करने होंगे। और अगर यह फेट लाइन अगर मैं आपको बता दूं अधूरी हो जाए, या फेट लाइन आपकी विद्या रेखा तक ही बने, अगर कोई भी फेट लाइन आपकी शनि पर्वत से, ये मणिबंध से आरंभ हो पर विद्या रेखा तक ही बने, तो आप यह हमेशा मानकर लीजिए आपको साहब शुरुआती एज में साहब भाग्य का बड़ा साथ मिलेगा। अगर आपने शुरुआती एज में
कोई अच्छा काम किया या जिस पे आपकी रुचि है वह काम किया, तो आपको भाग्य का तो पूरा सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप ये आगे को भाग्य रेखा नहीं है, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में, क्योंकि अगर मैं इसे मानूं तो यह आपके 35 साल बनते हैं लगभग लगभग। 35 साल तक आप, यानी कि जो जो आपने करना था, जहां जहां मेहनत करनी थी, वहां भाग्य के साथ से आपको चीजें मिल जाएंगी। भाग्य के साथ से वो चीजें आपने मिल जाएगी। सपोज आपने व्यापार शुरू किया, व्यापार में आपने भाग्य का साथ दिया तो आपने अच्छा व्यापार जमा लिया। हाँ, ये है कि आगे वाली आने वाली एज में कुछ परेशानियां होंगी, बट उस प्रकार की दिक्कतें आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी भाग्य रेखा, शुरुआती एज वाली भाग्य रेखा ने आपसे अच्छे काम कराए और आपका पूरा साथ दिया और आपको जो अचीवमेंट लेनी थी वो अचीवमेंट आपने ले ली शुरुआती एज में, तो बाद में आपको यह भाग्य रेखा नहीं होने का ज्यादा अफसोस नहीं होगा, वो फल देते रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी साहब उसके फल में, वो चलते रहेगा। इस प्रकार की भाग्य रेखा वाले व्यक्ति को शुरुआती एज में अच्छा कर लेगा साहब, बहुत अच्छा कर लेगा, जिससे कि आगे वाली आने वाली एज में उसे कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो यह होता है, अगर मेरे हिसाब से यह भाग्य रेखा भी ज्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं, कुछ जैसे डॉक्टर लोगों के मैंने एनालिसिस किए हैं, डॉक्टर या कोई PhD वाले, या एक मेरे पास कोई IPS ऑफिसर का हाथ आया था, तो उनके हाथ में मैंने इस तरीके का साइन देखा था, इस तरीके का सैंबल देखा, इस तरफ की, इस तरीके की रेखा देखी। तो इस तरीके की रेखा साहब बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि वह या तो होगी ही नहीं, या होगी तो वो कटी फटी होती है। यह रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाए, मणिलग्न बंध से आए और विद्या रेखा पर रुक जाए। शुरुआती एज में आपको हर जगह से चौतरफा सफलता मिलेगी। और इस प्रकार के व्यक्ति को अगर मैं बोलूं तो हाँ, ये बाद में फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड काम में थोड़ी सी अड़चने पैदा कर देगा। भाग्य रेखा आपकी विद्या रेखा तक है, विद्या रेखा के आगे ये पूरा बाह्य मंगल का आगे वाला एरिया और गुरुदेव के अंदर वाला एरिया पूरा सापट है, इस पर कोई आपकी भाग्य रेखा नहीं जा रही हुई दिख रही है ऊपर को। तो इस प्रकार के व्यक्ति को सोशल मीडिया या न्यूज व्यूज के, मैं फिर न्यूज एंकर में या सोशल मीडिया की तरफ से उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। हालांकि पैसा बना रहेगा, पर पॉपुलैरिटी के मामले में थोड़ी सी कमी दिखती है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में। और अगर इस पे भी क्रॉस बन जाए साहब, इस पे भी कट बन जाए, या इस पे द्वीप बन जाए, भाग्य रेखा पे द्वीप, ये भाग्य रेखा पे द्वीप सबसे खराब माने जाते हैं। भाग्य रेखा पे द्वीप आपको, भाग्य को समझिए, खत्म कर देंगे, खत्म। यह होता है द्वीप का प्रभाव, सबसे नकारात्मक चीज मानी जाती है द्वीप। वह सिर्फ अगर द्वीप हल्का हल्का बने आपके इधर सूरज पर्वत पे अंदर की तरफ, तो ये आपके मान सम्मान को दिखाती है, पॉपुलैरिटी को दिखाती है। सिर्फ यहाँ पे ही थोड़ा बोल सकते हैं हम, कुछ सुप्रभाव होता है इसका सूरज पर्वत के ऊपर, और जगह इसका कहीं इतना सुप्रभाव नहीं देखने को मिलता, बुरा ही प्रभाव मिलता है। तो मुझे आशा है आज की आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और जो मैंने उपाय दिए वह उपाय करिए, तो 100.1% यह रेखा 1 महीने के अंदर ही बदलना शुरू हो जाएगी, आप खुद ही देखेंगे। मुझे आशा है चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए। इसी के साथ साथ वीडियो को समापन करता हूं। भगवान आप सभी का भला करे। ओम इष्ट देवाय नमः। जय देव विंध्यवासिनी।